हेलो एवरीवन वेलकम टू के वी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे सेवन क्लास इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर ये करंट सेशन पी टी टू एग्जाम का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन पैसेज को रीड करिए और फिर क्वेश्चंस को आंसर करिए सो आई एम द विक्ट्री टावर सिचुएटेड इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट मैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट का विक्ट्री टावर हूँ यू कैन रीच मी बाय बस और ट्रेन बस या ट्रेन से आप मुझ तक पहुँच सकते हैं यू कैन सी मी स्टैंडिंग टॉल ऑन अ फाइव हंड्रेड फीट हाई हिल दैट इज़ फाइव किलोमीटर लॉन्ग एंड टू किलोमीटर वाइड तो मैं फ़ाइव हंड्रेड फ़ीट की एक हाई हिलॉक मतलब ऊँची पहाड़ी पर हूँ जो कि जिसकी लेंथ है फ़ाइव किलोमीटर और वथ है टू किलोमीटर वुड यू लाइक टू सी एंड नो अबाउट मी क्या आप मुझे देखना और मेरे बारे में जानना चाहेंगे कम अलॉन्ग सो चित्तौड़गढ़ फोर्ट हैज़ सेवन गेटवेज़ चित्तौड़गढ़ फोर्ट में सात गेटवेज़ हैं द फर्स्ट इज पोल सबसे पहला है उनमें से पोल प्लीज़ एंटर एंड वॉक अलॉन्ग इट्स विंडिंग पाथ तो पहले गेट से आप एंटर करेंगे और वॉक करेंगे उसके विंडिंग पाथ के अलॉन्ग विंडिंग मतलब ऐसा एक घुमावदार रास्ता जिसमें बहुत सारे टर्न्स हों यू विल फाइंड सेवरल मॉन्यूमेंट्स आपको कुछ मॉन्यूमेंट्स टेम्पल्स पैलेसेस दिखाई देंगे उस पाथ के दोनों साइड पर नाउ लुक एट मी अब चलते जाएंगे तो आपको फिर वो विक्ट्री टावर दिखाई देगा तो अब आप मुझे देखेंगे आई एम ऑन अ फोर्टी सेवन स्क्वायर फुट प्लेटफॉर्म मैं फोर्टी सेवन स्क्वायर फुट के एक प्लेटफॉर्म पर बना हूँ एंड राइज टू अ हाइट ऑफ वन ट्वेंटी टू फीट और मेरी हाइट कितनी है वन ट्वेंटी टू फीट बहुत सारे फैक्ट्स इसमें गिवन है आई वॉज इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा कुंभा किसने बनवाया था विक्ट्री टावर महाराजा कुंभा ने टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मालवा एंड गुजरात मालवा और गुजरात पर उनकी विक्ट्री को उनकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए दैट इज वाई द पीपल कॉल मी विजय स्तंभ और विक्ट्री टावर इसलिए लोग मुझे विक्ट्री टावर या फिर विजय स्तंभ कहते हैं ओ यू लुक क्वाइट सरप्राइज कर्नल जेम्स टॉर्ड टू वॉज अमेज्ड वेन ही फर्स्ट सॉ माई आर्किटेक्चरल ब्यूटी अब जब आप देखेंगे विक्ट्री टावर को तो आप सरप्राइज हैरान हो जाएंगे जैसा कि कर्नल जेम्स टॉड हो गए थे जब पहली बार उन्होंने देखा था मेरी आर्किटेक्चरल ब्यूटी को ही कॉल्ड मी एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन कल्चर उन्होंने मुझे इंडियंस कल्चर का एनसाइक्लोपीडिया कहा था अनदर एक और फेमस विजिटर जो कि एक हिस्टोरियन थे जेम्स फर्ग्यूसन हु कंपेयर्ड मी जिन्होंने मुझे कंपेयर किया टू द ट्रोजन टावर इन रोम रोम के ट्रोजन टावर से बट डोंट बी सो अमेज बाय माई एक्सीलेंट फसाड लेकिन मेरे एक्सेलेंट फेस को जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको देख कर बहुत अमेज नहीं होना द मैजिक यू सी इज़ द इमेजिनेशन ऑफ जैता महाराणा कुम्बाज चीफ रॉयल मेसन जो मैजिक आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में जो महाराजा कुंबा के चीफ रॉयल मेसन मिस्त्री थे जैता उनकी इमेजिनेशन है ये उन्होंने ये बनवाया बनाया था थैंक हिम ही बिगैन टू कंस्ट्रक्ट मीन फोर्टीन फोर्टी ए डी फ़ोर्टीन फोर्टी ए में उन्होंने मुझे कंस्ट्रक्ट करना बनाना शुरू किया और फिर जो रिदमिक साउंड थी चिजल की हैमर्स की और मेसन मिस्त्री के चिजल और हैमर की रिदमिक साउंड कंटिन्यू रही जब तक मैं कंप्लीट नहीं हो गया इन फोर्टीन फोर्टी ए डी फोर्टीन फोर्टी एट ए डी आई एम ए नाइन स्टोरी टावर नो स्टोरीज हैं इसमें दैट जिस जिनकी हाइट है वन ट्वेंटी टू फीट विद अ विंडिंग स्टेयर केस विंडिंग स्टेयर केस अंदर की तरफ लीडिंग टू एट्थ फ्लोर फ्लोर तक ओके ना फर्स्ट क्वेश्चन इज द चित्तौड़गढ़ फोर्ट कंटेन्स नो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में इनमें से क्या नहीं है पैलेसेज नहीं है टेम्पल्स मॉन्यूमेंट्स मॉसिलियम मॉसिलियम हम बोलते हैं जो ग्रेव्स होती हैं समाधि जिनको बोलते हैं तो पैलेसेस भी हैं उसमें यहाँ पर गिवन है ना कि जब आप जब आप पाथ से जा रहे होंगे मॉन्यूमेंट्स आपको दिखेंगे टेम्पल्स दिखेंगे पैलेसेस दिखेंगे तो तीनों ही हैं मोसेलियम नहीं है डी ऑप्शन इज करेक्ट द टावर इज कॉल्ड विक्ट्री स्तंभ टू कमेमोरेट राणा कुंभाज विक्ट्री ओवर राणा कुंभा की किस पर जीत की वजह से इसको विक्ट्री स्तंभ कहा जाता है सो so, दो प्लेसेस के नाम यहां विक्ट्री टावर ओवर विक्ट्री ओवर मालवा एंड गुजरात सो गुजरात ए गिवन है बी ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट विजय स्तंभ विजय स्तंभ के बारे में कौन से स्टेटमेंट गलत हैं ये फेमस है अपने स्कल्पचर के लिए ट्रू है जैता चीफ रॉयल मेसन थे कुंबा के ये भी सही है ये नाइन स्टोरी बिल्डिंग है ये भी सही है जेम्स फर्ग्यूसन ने इसे एनसाइक्लोपीडिया कहा था इंडियन स्कल्पचर का तो इंडियन स्कल्पचर का एनसाइक्लोपीडिया इन्हें कहा इसे कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने फर्ग्यूसन ने कंपेयर किया था ट्रोजन टावर से तो लास्ट स्टेटमेंट गलत है नेक्स्ट इज द विक्ट्री टावर वॉज बिल्ट इन अबाउट विक्ट्री टावर लगभग कितने टाइम में बना ट्वेंटी ईयर्स डेकेड ये बना थान फोर्टी uh, से शुरू हुआ कंस्ट्रक्ट करना आठ सालों में सो एट ईर्स एटीन ईयर्स नहीं एट इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया इन अबाउट पूछा है तो लगभग अ डेकेड आप बोल सकते हैं डेकेड मतलब अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्टोन कार्विंग स्टोन कार्विंग हम किसको बोलते हैं स्कल्पर को बी ऑप्शन आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर हैं फर्स्ट इज रीड द गि एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द्वेश्चन पोएम का एक मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन अ बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉज टू सिप द नेक्टर अप सो द बटरफ्लाई इज पर्स्ड ऑन बटरफ्लाई किसके ऊपर बैठी है वो रेस्ट कर रही है बटर कप के ऊपर बटर बटरकप फ्लावर सी ऑप्शन अनफोल्ड का मतलब क्या होता है ओपन अप ओपन करना बटरफ्लाइज फील्स ऑन फीड ऑन बटरफ्लाई किस पर फीड करती है सप ऑफ फ्लावर्स राइट द नेम ऑफ पोएम एंड पोएट ये जो एक्सट्रैक्ट है ये मीडो सरप्राइजेस से है मीडो सरप्राइजेस जिसके पोएट है लुई ब्रांडेड फिलिप्स अब बुक के क्वेश्चन आंसर्स पहले हनीकॉम से व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ एंड बाई मिस्टर नाथ को निषाद ने क्या दिया और क्यों सो मिस्टर नाथ को निषाद ने एक बार ऑफ चॉकलेट दी थी आप लिखेंगे निशाद गिव मिस्टर नाथ अ बार ऑफ चॉकलेट बिकॉज क्योंकि उसको लगता था कि वो बहुत ही पुअर है स्टार कर रहे हैं भूखे मर रहे हैं बिकॉज ही थॉट मिस्टर नाथ वॉज माया को इसका बिल्कुल opposite लगता था फोर ड्रॉप्स जिस वॉल्टियर ने स्वालो की थी उसके साथ क्या हुआ और नाम क्या था व्हाट इज द नेम ऑफ द इन्वेंशन नाम था वीटा बॉम्ब और क्या हुआ था उसके बाल गिरने लगे थे और दांत बाहर आ गए थे सारे रिंकल करने लगा था वो शिविर करने लगा था बेसिकली उसकी एज बहुत ज्यादा हो गई थी बूढ़ा आदमी बन गया था वो सेवेंटी फाइव इन का सो वेन द वॉल्टियर फोर ड्रॉप्स ऑफ द न्यू इन्वेंशन ही बेगिन बिगिन रिंकलिंग रिंकलिंग एंड हिज हेयर स्टार्टेड फॉलिंग स्टार्ट फॉलिंग सिंपल इसमें लिख रहे हैं फॉलिंग एंड ही स्टार्ट श्रिवलिंग स्टार्ट श्रिवलिंग हिज टीथ स्टार्टेड बालू को आप लिख सकते हैं हिज हेयर स्टार्ट ड्रॉपिंग आउट या ड्रॉपिंग ऑफ dropping off and his teeth start falling out and he became he becomes a man of 75 an old man of 75 old man of 75 and the name of the name of the invention was Vita Wonk, जो बेसिकली ज़्यादा एज कर देती थी लोगों को लोगों की नेक्स्ट नाउ डिस्क्राइब द कैट एंड द डैड सिचुएशन इन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द पोएम स्टार्टिंग में जो कैट और डैड की सिचुएशन थी वो बिल्कुल ही ऑपोजिट थी एंड वाली से स्टार्टिंग में कैट बिगनिंग में कैट ट्री के ऊपर थी और फादर नीचे थे डैड नीचे थे और एंड में डैड ट्री के ऊपर थे और कैट ग्राउंड के ऊपर थी सो इन द बिगनिंग द कैट वॉज was struck stuck on the tree and dad was on the ground but in the end at the end of the poem dad was the situation was totally reversed was reversed नाव डैड स्टक ऑन द ट्री एंड कैट वॉज ऑन द ग्राउंड ओके नेक्स्ट इज वॉट आर सम ऑफ द थिंग्स यू शुड डू टू प्रिवेंट फायर फायर को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या दो चीजें करनी चाहिए वॉट सम ऑफ द थिंग्स क्या चीजें आप करेंगे तो so, सबसे पहले तो वायरिंग्स को चेक करेंगे अपनी चेक घर की वायरिंग जो वर्क प्लेस है वहाँ की चेक योर वायरिंग ताकि इलेक्ट्रिकल फायर को प्रिवेंट किया जा सके जो आ, फ्लेमेबल आइटम्स हैं उनको अच्छे से स्टोर करेंगे स्टोर फ्लेमेबल आइटम्स करेक्टली मॉक ड्रिल करेंगे स्कूल में अगर आप हैं फायर के लिए कंडक्ट मॉक फायर ड्रिल की आग लग जाती है तो सिचुएशन में क्या करना है ड्रिल्स एंड इमरजेंसी नंबर आपको पता होना चाहिए फायर ब्रिगेड का देन uh, कुछ जो चीज़ें घर पर आप कर सकते हैं कि कुकिंग गैस को बहुत केयरफुली हैंडल करेंगे हैंडल कुकिंग गैस वेरी केयरफुली और गैस लीकेज अगर है तो विंडोज को डोर्स को ओपन कर देंगे ओपन द डोर्स एंड विंडोज इफ़ द गैस इज लीकिंग रेगुलेटर की जो नॉब है सिलेंडर की उसको ऑफ करके रखेंगे वैन गैस इज़ नॉट इन यूज इस तरीके की कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं नेक्स्ट अभी है एन एलियन हन से क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्ट्रेंजर हु केम टू द पेट शॉप वॉट डिड ही वॉन्ट पेट शॉप में जो स्ट्रेंजर आया था वो उसको डिस्क्राइब करना है वो कैसा दिख रहा था और उसको क्या चाहिए था उसको केज में कुछ छोटी चीज़ चाहिए थी बैंक्स वाली और उसने शाइनी शूज़ पहने हुए थे ही वोर शाइनी शूज़ एंड उसका जो सूट था वो न्यू था लेकिन इल फिटेड था फिटिंग उसकी सही नहीं थी हिज सूट वॉज न्यू बट चीप एंड इल फिटेड एल हेयर उसके बहुत क्लोज क्रॉप थे बहुत छोटे बाल थे और उसकी शटलिंग ग्लांस थी ही हैड शटलिंग ग्लांस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर तो ये तो वो कैसा दिख रहा था अपियरेंस हो गई एंड वॉट डिड ही वॉन्ट ही वॉन्ट ही वॉन्टेड समथिंग स्मॉल विद विंग्स इन अज की एक बर्ड उसको चाहिए थी फ्री करने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट इज बाइट अबू खान की जितनी भी बकरिया थी वो सब भाग जाती थी क्यों एंड वॉट हैपन टू दिन दिल्स हिल्स में जाने के बाद उनके साथ क्या होता था तो अबू खान की जितनी भी गोट्स थी दे वुड रन बिकॉज दे अबू खानस गोट्स रन अवे बिकॉज दे Being tied and, उनको बन के रहना पसंद नहीं था उनको उनकी फ्रीडम बहुत अच्छी लगती थी एंड दे लवर फ्रीडम जैसा कि चांदनी के साथ भी हुआ भले ही बहुत छोटी थी तब से उसने उसको अबू खाने पाला था और फिर हिल्स में जाने के बाद क्या होता था एक वुल्फ उनको खा जाता था इन दिल्स दे वी अटैक्ड एंड किड एंड नेक्स्ट ना वाई डिट चांदनीमल्स चांदी ने वाइल्ड एनिमल्स के ग्रुप को ज्वाइन करने से मना क्यों कर दिया क्योंकि नई नई फ्रीडम उसको मिली थी और वो उसको अकेले एंजॉय करना चाहती थी सो चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज शी वेड टू एंजॉय हर न्यू फाउंड फ्रीडम फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ नेक्स्ट व्हाट एर दियर क्या खाता था और व्हाट आर द टू थिंग्स क्या दो चीजें थी जो उसको करना अलाउड नहीं था तो वो पॉरेज ब्रेड द बेयर एट दलिया खाता था पॉरिज एंड ब्रेड पटेटो एंड कैबेज टर्नि एक्सेट्रा और दो चीजें जो उसको अलाउड नहीं थी सबसे पहले तो एप्पल ट्री पर क्लाइम करना और वहां से एप्पल्स खाना द बेयर वॉज नॉट अलाउड टू डू टू थिंग्स नंबर वन क्लाइम क्लाइम एप्पल ट्री एंड ईट एप और दूसरा बी हाइव को टच करना एंड सेकेंड इज टचिंग द बी हाइव वहां से शहद को खाना ओके नेक्स्ट नाउ ग्रामर सेक्शन द कुतुब मीनार इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया अंडरलाइन वर्ल्ड इज ब्लैंक नाउन कुतुब मीनार किस टाइप की नाउन है ये प्रॉपर नाउन है नाम है एक मॉन्यूमेंट का दे डू ब्लैंक वर्क डेली दे डू देयर वर्क वो उनका काम करते हैं मतलब अपना काम करते हैं ये देयर का मतलब वो दोनों ही देयर है लेकिन इस होमोफोन है इसका मतलब है वहाँ ये है उनका यहाँ पर आएगा देयर मैनी स्टूडेंट्स वर वेयरिंग ब्लैक लेदर शूज बहुत सारे बच्चों ने ब्लैक लेदर शूज़ पहने हुए हैं विच वर्ड इज़ नॉट अन एडजेक्टिव इनमें से कौन से एडजेक्टिव नहीं है मैनी मैनी एक तो एडजेक्टिव है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वांटिटी बता रहा है एक तरीके से वर वेयरिंग ब्लैक ये कलर को डिस्क्राइब कर रहा है शूज़ के और लेदर ये मटीरियल uh, को डिस्क्राइब कर रहा है तो तीनों ही इसमें ऑब्जेक्टिव हैं मैनी भी है ब्लैक लेदर वेयरिंग नहीं है ये वर्ब है बी ऑप्शन इज करेक्ट शी ब्लैंक विद पेरेंट्स शी लिव्स वो रहती है थर्ड पर्सन है एस या ई एस लगेगा बी ऑप्शन गुड स्लीप इज़ नेसेसरी ब्लैंक गुड हेल्थ गुड स्लीप इज ने फॉर गुड हेल्थ अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी नींद जरूरी है मैन ही मैन मट यह तो टाइप ऑफ नाउन हो गया यही कॉपी हो गया टूवर्ड्स भी हो सकता है वैसे टू द हॉस्पिटल इसमें सही रहता ही टुक द मैन टू द हॉस्पिटल या फिर टूवर्ड्स द हॉस्पिटल ठीक है ए ऑप्शन इज इन करेक्ट अ बैंड ऑफ मिजिशियन अ बंडल ऑफ स्टिक्स अ गैंग ऑफ सोल्जर्स गैंग नहीं होता सोल्जर्स की होती है आर्मी एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स सो सी ऑप्शन करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है रंस राम रंस फास्ट शाम स्लेप्ट ऑन बेड कविता सांग अ सॉन्ग ये है ट्रांजिटिव सी रोहित इज ब्लैक यूनिक बॉय रोहित इज अ यूनिक बॉय इसमें भले ही यू आया हो यहाँ पर जनरली हम हम देखते हैं कि ए आई ओ यू से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनके पहले एन आता है लेकिन कई बार प्रोनासिएशन भी आपको देखनी है यू जनरली अ की साउंड देता है जैसे ये अम्ब्रेला है ओके तो इसके आगे हम लिखेंगे एन अम्ब्रेला लेकिन यू अगर वाई की साउंड दे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूनिक है ये यू हम कैसे लिखते हैं ऐसे तो जब ये यू यू की साउंड देगा अ की नहीं जो इसकी एक्चुअल में साउंड है तो इसके आगे हम अ लगाएंगे फिर ओके जैसे यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी में यू यू की साउंड देता है यूनिवर्सिटी तो हम लिखेंगे अ यूनिवर्सिटी एन यूनिवर्सिटी नहीं सो so ये होगा अ रोहित इज अ यूनिक बॉय नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन अ वाटर अ वाटर नहीं होगा द वाटर इन द पॉट इज अनफिट एन वाटर इट्स वॉट बी ऑप्शन करेक्ट है द वॉटर इन द पॉट इज अनफिट नाउ नेक्स्ट इज राइटिंग सेक्शन यू आर गौरव और गीता सी सी ए कैप्टन ऑफ ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल गांधी बरी राइट अ नोटिस टू बी पेस्टेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट इंग्लिश पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन होने वाला है लोग बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए एक नोटिस आपको लिखना है इन वॉट नेसेसरी डिटेल्स सभी नेसेसरी डिटेल्स देते हुए नोटिस हमेशा हम शॉर्ट में लिखते हैं जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है बस वही देंगे किस बारे में है टॉपिक क्या है अगर पोएम रेसीटेशन का है कहाँ पर होगा बच्चों को किन्हें अपने नाम देने हैं ओके okay. तो so, ये फॉर्मेट है सबसे पहले तो बॉक्स के अंदर आप लिखेंगे टॉप सेंटर कैपिटल लेटर्स में नोटिस फिर सेंटर में स्कूल का नाम जो गिवन है ब्राइट स्टार पब्लिक स्कूल गांधी बड़ी देन लेफ्ट साइड में डेट जब आप नोटिस लिख रहे हैं फिर सेंटर में टॉपिक इंग्लिश पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन दिस नोटिस हैज़ बीन पुट अप टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स टू टेंस टू टेंथ क्लास के बच्चों को इन्फॉर्म करने के लिए नोटिस पुट अप किया गया है दैट एंड इंटर हाउस पोएटरी रेसीटेशन कॉम्पिटिशन क्योंकि सी सी ए के अंडर है इंटर हाउस कॉम्पिटिशन ये होने वाला हैज़ बीन ऑर्गनाइज बाई द स्कूल स्कूल ने ऑर्गनाइज किया है द डिटेल्स आर डिटेल्स क्या है वेन्यू कहाँ पर है स्कूल ऑडिटोरियम में कब है सिक्स नवम्बर को टाइम क्या है टेन ए एम जो 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 इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं दे कैन गिव देयर नेम्स टू देयर इंग्लिश टीचर्स वो इंग्लिश टीचर्स को अपना नाम दे देंगे कॉन्टैक्ट दी अंडर साइंड फॉर फर्दर डिटेल्स ये ज़रूर आप लिखेंगे कोई अगर और डिटेल किसी को चाहिए तो वो इनको कॉन्टैक्ट करे सी सी ए कैप्टन नीचे आपका नाम गौरव नेक्स्ट इज डेवलप द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन आउटलाइंस गिवन आउटलाइंस के बेसिस पर स्टोरी डेवलप करिए यंग शेफर्ड था एक शीप को ग्रेज कराता था हिल टॉप्स पर फील्स अकेला फील कर रहा था थिंग्स ऑफ अ प्लान एक वो सोचता है वुल्फ वुल्फ करके चिल्लाता है कि भेड़िया आ गया है विलेजर्स बेचारे दौड़ते हुए आते हैं फिर हंसने लगता है लाफ्स बीफुल्स अगेन फिर से उन्हें बेवकूफ़ बनाता है दे कम विद स्टिक्स अब वो उसको डराने के लिए स्टिक्स लेकर आते हैं डिसअपॉइंटेड लेकिन फिर डिसअपॉइंट होते हैं क्योंकि वुल्फ था नहीं ना वुल्फ कम्स एक्चुअल में वुल्फ आता है सुनी भी होगी आपने कहानी बट नो वन कम्स इस बार वो चिल्लाता है तो कोई भी नहीं आता वुल्फ किल्स शीप वो उसकी शीप को मार देता है और फिर जो शेफर्ड है वह डिपेंड करता है सो वंस अपॉन ए टाइम इन अ ब्यूटिफुल विलेज There was a young shepherd. Every day he would take his sheep to graze on the lush hilltops. One day, feeling a bit lonely, he thought of a fun plan. The young shepherd cried out, Wolf, wolf! The villagers, always ready to help, came running to rescue the sheep. But instead of a wolf, they found the shepherd laughing. He had befooled them again. The next time he tried the trick, the villagers, remembering the last time, came with sticks. The shepherd, hoping for more laughter, was disappointed to see the serious faces of the villagers. Then, when the real wolf appeared, the shepherd cried out for help, but the villagers, still upset from the previous pranks, didn't believe him. Sadly, the wolf attacked the sheep and ate them. The shepherd repented for his tricks and realized the consequences of his actions. Okay, that's all students. This tha 7th class English question paper. Thank you so much for watching.